झुक जाता है और हमारे साथ क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे सिर ऊपर होने लगता है, घमंड से बढ़ जाते हैं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है बच्चे, मुझसे अच्छा कौन प्रचार कर लेगा, अरे मैंने 15 बार बाइबल पढ़ी है, एक एक लाइन मुझे याद है। तो जैसे जैसे हम खुदा के आत्मा के फलों में बढ़ते हैं वैसे वाला और ज्यादा दीन और नम होने लगता है। जैसे व्यक्ति ज्ञानी होने लगता है बहुत ज्यादा, वैसे वैसे घमंड नहीं और दीन और समझदार और परिपक्व मनुष्य हो जाता है। तो फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। और अगर 16वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है तुम्हारा फल बना भी रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार तो हम दीन बन गए लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ी तो दीनता खत्म हो गई, घमंड से भर गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो सही था, धन्यवाद था खुदा का, लेकिन सब परिस्थितियां बिगड़ी तो धन्यवाद देना भी बंद हो गया। प्रभु के वचन में बढ़ने लगे, कई बार तो बढ़ने लगे और फिर एक समय आया बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं है। कई बार रोज बाइबल निकाल के पढ़ते थे, दुआ करते थे और लोगों के लिए बड़ा आशीष का कारण हम ठहरते थे, लेकिन क्या है वो फल परिस्थितियों के अनुसार कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी तो हम बहुत दीन हो जाते हैं और कभी हमारी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है जैसे बिल्कुल ही मसीह की लैंग्वेज नहीं है। तो फल बना रहना चाहिए। अगर आत्मा का फल संयम धैर्य, क्या है आत्मा का फल, गलातियों 5 में क्या लिखा है देखो, गलातियों 5 के क्या लिखा, 22 पद से क्या लिखा हुआ देखो जी, चलो आंटी ने इंग्लिश में बताया आप हिंदी में बताओ क्या है, गलातियों 5 में क्या लिखा है, गलातियों किताब 5 अध्याय 22 से पढ़ो जी, प्रेम जी जी, तो पढ़ो 22, सबने बता दिया लेकिन मैं चाहता हूँ ये बच्ची पढ़े जी, 5:22 क्या लिखा है, गलातियों गलातियों निकाला, तुमने भी गलत निकाला, पढ़ो पढ़ो दीदी, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम क्या है, एक मिनट, आत्मा का फल जब हमारे जीवन में आत्मा के कार्य होंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रेम आ जाएगा, कलीसिया में आपस में क्या होगा, प्रेम होगा। और जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ना, मैं मुझे अभी पैशन वीक का याद आने लगा, मैं सोचने लगा कि अब मीटिंग खत्म हो जाएंगी, इतना अच्छा लगता है कि साथ बैठ के हम लोग गीत गाते हैं, फेलोशिप करते हैं, एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी होती है और फिर वचन से संगति करते हैं। मैं दुआ कर रहा था मन में कि खुदा ये संगति फैशन वीक के बाद ईस्टर के बाद भी होती रहे, हाँ बनी रहे जी जी, तो बनी रहे, खुदा करे ऐसा हो कि 10-15 दिन में ये फेलोशिप हर एरिया वाइज होती रहे और हम फेलोशिप, क्योंकि जितना ज्यादा हम फेलोशिप करेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु के वचनों में आत्मा के फल में बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, आत्मा का कार्य जब होगा, प्रेम आ जाएगा आपस में कलीसिया, फिर शांति आनंद आएगा, आनंद से भर जाएंगे। अगर कमजोर भी है, आर्थिक समस्याएं भी हैं, अगर कुछ विरोध भी किसी ने कर दिया, कोई मेरे लिए कुछ उल्टी सीधी बात भी, तब भी मेरा आनंद शैतान चुरा नहीं पाएगा, फिर शांति आ जाएगी जीवन में, इतना मतलब पीसफुल लाइफ होगी, टेंशन खत्म, कलेश खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म, पीसफुल माहौल होगा घर का। क्या होगा, जब आत्मा का कार्य होगा तो प्रेम होगा आपस में, परिवार में प्रेम होगा, कलीसिया में आपस में प्रेम होगा, आनंद से जीवन भर जाएगा और परिवार में पीसफुल माहौल होगा और क्या होगा, धीरज आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा, और आगे दया, दयालुता और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ठीक है। तो ये अगर ये चिन्ह हमारे अंदर है तो हम एक सच्चा एक मसीह जीवन जी रहे हैं। अगर संयम ही नहीं है, कृपा ही मेरे जीवन में नहीं है, कलीसिया में चर्च तो जाते हैं लेकिन साथ वाले बेंच वाले बैठे हुए व्यक्ति से मेरा मन भी नहीं मिलता है, या मैं जब चर्च से बाहर निकला और मैं केवल अगर सबसे मेरा मन नहीं मिला, मैं गले नहीं मिला सबसे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की नहीं कर रहा हूँ, सबको मैं माफ नहीं कर रहा हूँ, आनंद नहीं है मेरे जीवन में, प्रेम नहीं है, भलाई नहीं है, कृपा नहीं है, संयम मेरे अंदर नहीं है कि मैं किसी की छोटी सी बात भी सहन नहीं कर रहा, अरे उसने मेरे लिए हम देख लेंगे, अच्छा
थोड़ा सा संयम भी नहीं है कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, अरे कोई बात नहीं, सहनशीलता नहीं है, तो इसका मतलब आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। मैं जस तो गया, दुआ तो की, गीत तो गाए, गिविंग तो दी, प्रार्थनाएं तो हुई, मैंने अटेंड तो की, लेकिन आज तक मैं मसीह जीवन को समझ नहीं पाया और मेरे जीवन में आत्मा का फल नहीं आया। तो लिखा है आत्मा का फल सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फल क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। जैसे वो एक बार मैंने बताया था पैशन प्ले, आपको याद है वो वाला स्टोरी, वो क्रॉस लेके चला तो क्या हुआ था, क्रॉस लेके चला, पैशन प्ले चल रहा था, गुड फ्राइडे का ही समय था, एक व्यक्ति यीशु का रोल कर रहा था, किसी ने उसको हाँ बुरा बोला, तो जब वो क्रॉस लेके चला तो एक दूसरे व्यक्ति ने उसकी हंसी उड़ा दी, तो उसने क्रॉस फेंकी, जाके उसके दो चार घूसे और उसके खून निकल आया। आपको बताया था आप यीशु का रोल प्ले कर रहे हैं और यीशु मसीह आपकी जगह होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता, याद रखना, नहीं तो मैं किसी और को आपकी जगह ले लूंगा। तीसरी मॉर्निंग में फिर लेके चला, अभी वही समझ अल्लाह, इसलिए मैं कहानी वाली बता रहा हूँ क्योंकि पैशन वीक का ही चल रहा है आने वाला समय। तो जैसे ही लेके चला वो व्यक्ति फिर आ गया, उसने बहुत हंसी उड़ाई इसकी, अब इससे रहा ना जाए, इसने क्रॉस को फेंका नहीं, इसने बड़े आराम से रखा, उसके पास गया और उसके कान में बोलता है तुझसे मैं पुनरुत्थान दिवस के बाद मिलूंगा। तो रोल किसका प्ले कर रहा था, लेकिन वो करेक्टर लाइफ में नहीं है। तो कई बार ऐसे होता, फल कैसा रहे, बना रहना चाहिए। चर्च में ये नहीं कि चर्च में हम आत्मिक है लेकिन बाजार में हम आत्मिकता को भूल जाएं। मॉल में हो तो किसी से दू तड़ाक बोल दे, अपशब्द बोल दे, घर में है तो हर तरह की बातें नहीं, जब प्रभु के भवन में हम अच्छा जीवन जीते हैं तो बाहर भी कोशिश करें कि वो आत्मा का फल बना। यानी कि यहाँ पर कुछ और, वहां पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, परमेश्वर ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता और ऐसा जीवन मसीह जीवन नहीं हो सकता। तो हमारा कोशिश करें कि आत्मा का फल फल लाएं, बहुत सा फल लाएं और फल बना भी रहे, ये कोशिश करना। माफ करना एक दूसरे को, सहनशीलता हो, नम्रता, भलाई, कृपा, ये सब ओलिका, इनके इनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर। अगर वचन सुनने का मन कर रहा है तो, और बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, दुआ करने का मन कर रहा है, गीत गाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आत्मिक व्यक्ति हैं आप, क्योंकि आपका आत्मिक बातों में मन लगता है। और अगर शारीरिक व्यक्ति हैं आप तो हर बार में मेरा शरीर की बातों पर मन लगेगा, शरीर की इच्छाएं कैसे मैं, तो मैंने क्या बताया पहला, मैंने क्या बताया क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, फल और कितना फल होना चाहिए, बहुतायत, बहुतायत से फल होना चाहिए, कम नहीं थोड़ा सा भी ज्यादा, और हमारा फल बना भी रहना चाहिए। अब एक चीज और, इस अंजीर के पेड़ ने खाद भी ले ली, पानी भी ले लिया, धूप भी ली, उसके एवज में से क्या देना चाहिए था, फल देना चाहिए था। खुदा से हमने सब कुछ ले लिया, जैसे इसराइलियों ने सब कुछ लिया, लेकिन जब खुदा ने एक्सपेक्ट करा मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनके जीवन में फल नहीं आए। प्रभु हमें सब कुछ देता है, सारी चीजें, आशीषें, बरकतें, जॉब, संतान, और घर में कोई ऐसी चीज नहीं है, हमें हमें सबसे चीज तो अंधकार से निकाल कर हमें ज्योति में ले आया वो, उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, और लिखा इकलौत ना केवल बहुत नहीं एक बेटा था वो भी दे दिया, जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं। तो अंजीर के पेड़ ने सब कुछ लिया और फल देने चाहिए तो फल नहीं आए, और आज हमें भी खुदा ने सब कुछ दिया है, वो हमसे इतना ही चाहता है कि हमारे जीवन में आत्मा का फल, हम अपना जीवन उसको समर्पित करें, ना केवल बड़ी बड़ी ऑफरिंग, लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी ऑफरिंग क्या होगी, जिस दिन मैं अपना जीवन उसको समर्पित, उससे बड़ी ऑफरिंग कोई नहीं हो सकती, जिस दिन मैं कहूँ प्रभु मैं तुझे अपने आप को देता हूँ एज ए ऑफरिंग। लिखा है हाबिल भी ऑफरिंग लाया और कैन भी लाया, लेकिन किसकी ऑफरिंग एक्सेप्ट हुई, हाबिल की, और कैन ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी ऑफरिंग को, पहले किसको क्या, हाबिल को एक्सेप्ट किया और फिर उसकी ऑफरिंग भी। अगर मेरा जीवन एक्सेप्ट है, खुदा को एक्सेप्टेड है,
तो मेरा जीवन जब एक्सेप्टेड है तो मैं छोटी सी भी ऑफरिंग दूंगा, अगर मन से दूंगा चाहे हर्ष से दूंगा तो वो भी क्या होगी, ग्रहण। लेकिन अगर बड़ी ऑफरिंग लाऊं, मेरा जीवन एक्सेप्टेड नहीं है, तो मेरी ऑफरिंग भी एक्सेप्टेड नहीं है। दो लंबड़ी वाली कहानी पता है आपको क्या हुआ था? लिखा है प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार पे बैठ गया कि मैं देखता हूँ कौन कितना डालेगा, और लिखा लोगों ने थैलियां दिखा दिखा कर हिला हिला कर उसमें डाला, और सबको लगा हम आत्मिक ठहरेंगे क्योंकि हमारी ऑफरिंग क्या है, बड़ी है। और फिर एक बुढ़िया आई, गरीब बुढ़िया, उसके पास शायद उसके पल्लू में शायद दो दमड़ी बंधी थी और हेजिटेट कर रही थी, लोग देख रहे हैं मैं कैसे डालूं, समझ में नहीं आ रहा, लोग हसीना उड़ा, लेकिन डरते डरते उसने दो दमड़ी निकाल कर उसमें डाल दी, और मालूम है क्या हुआ, वो धर्मी ठहराई गई। और आगे लिखा है क्योंकि जिन्होंने हिला हिला कर बहुत दिया उन्होंने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन जिसने दो दमड़ी डाल दी उसने अपनी घटती में से दिया। जब हमारे पास कम समय हो, जब हमारे पास कम रिसोर्सेस हो, जब हमारे पास कम पैसा हो, जब हमारे पास कम समय हो, लेकिन हम कहते प्रभु तब भी तेरे लिए मैं करूंगा, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। सारफत नगर की विधवा का जो लिखा है, दास आया कि मेरे लिए लिया, लकड़ी बीन रहे थे कि इसके बाद हम मर जाएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं पहले मेरे लिए ले करा, और लिखा है जब उसने उसके लिए ठीक है मैं लाती हूँ इसके बाद तो हमें मर रही है, लेकिन आप खुदा के दास हो तो आप लेकर आते हैं, लिखा है उसके घर की कुप्पी का तेल और आटा कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी घटती में से खुदा के दास के लिए करा। मूसा ने अनाउंस किया जो जो कुछ ला सकता है लेकर आए, और लिखा है सब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो ला सकते थे खुदा के भवन के लिए लेकर आ गए, और ऐसा हुआ कि अब मूसा ने कह दिया अब बहुत हो गया, अब कुछ भी मतलब स्टॉप देम, रोक दिया कि बहुत हो चुका है। नो मैटर हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, नो मैटर हम कमजोर हैं किसी रूप में, नो मैटर हम बहुत बिजी हैं, लेकिन जब उस घटती में भी खुदा के लिए हम करने के लिए तैयार है, खुदा हमें बहुत इससे आशीषित करता है। एक मसीह जीवन की तो सब कुछ लिया अंजीर के पेड़ ने, लेकिन उसको फल देना चाहिए था, वो उसने नहीं दिया। तो पहली चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझे यही सिखाता है कि हमारे पिता की महिमा, हम कितने एक्टिव हैं, कितना जानते हैं, कितने टैलेंटेड हैं, इससे नहीं, लेकिन जब मेरे और आपके जीवन में फल दिखने लगे तो इसका मतलब पिता की महिमा आप सच्चे मन से कर रहे हैं। दूसरा, फल लाए और बहुत सा फल होना चाहिए, और जब फल जीवन में आ जाए, आत्मा का कार्य जीवन में होने लगे, तो कोशिश करें वो आत्मा का फल हमेशा बना रहे, कभी कम ना हो किसी भी परिस्थिति में, मुंह से अपशब्द ना निकले, किसी भी परिस्थिति में कितना भी बुलंदी में पहुंचे घमंड की बात ना निकले, दीनता बनी रहे, संयम बना रहे, धैर्य बना रहे, सहनशीलता बनी रहे, कृपा भलाई बनी रहे, प्रेम और विश्वास बना रहे, किसी भी परिस्थिति में कमजोर हो तब भी कहे खुदा तेरा धन्यवाद हो, मैं विश्वास में डगमगाऊंगा नहीं। और अंजीर के पेड़ की तरह जब सब कुछ लिया है तो ये जरूरी है कि हम खुदावन को उसके एवज में अपना जीवन दें। और जैसे मैंने बताया कि उसने कहा कि यहाँ से इसको हटा दे क्योंकि जगह को भी घेरे, कई बार प्रभु मेरे मौका देता है, लेकिन कई बार फिर आखिरी मौका है, जैसे दो डाकू थे, दोनों को मौका मिला, एक ने उसका फायदा उठा लिया और एक वैसे ही पापी था, और पापी ही एक पापी था लेकिन पापी मरा नहीं। नो मैटर आपका पास्ट कैसा रहा, नो मैटर आज के पहले वाले समय में मेरा और आपका जीवन कैसा रहा, लेकिन मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डाकू ने कहा प्रभु जब तुमने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, उसने अपने जीवन को बदला, माफी मांगी और उसने एक्सेप्ट किया ये परमेश्वर का बेटा है। तो होने दीजिए मेरे प्रियो, हम चर्च जाते हैं, दुआ बंदगी में बैठते हैं, खुदा से दुआ करें, खुदा बहुत दुआ की, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन आत्मा के फल में मैं कमज़ोर हो गया, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। आप कोई भी पेड़ देखें एकदम बताया अरे सेब का पेड़ है, अरे अमरूद का पेड़ है, एकदम पहचान जाते हैं ना, ऐसी मसीह जीवन की पहचान है, ना केवल कपड़ों से क्या पहने हैं, लेकिन जब हमारे व्यवहार में वो चीज़ें जब दिखती हैं मसीह जीवन, तो लोग पहले अरे ये मसीह है, मसीह व्यक्ति है, ये सच्चा मसीह व्यक्ति है, और ये परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। तो खुदावन होने दे इन रोज़ों के दिनों में, जब हम ये आखिरी सप्ताह में हैं, प्रार्थनाएँ घर घर में हो रही हैं, मेरे जीवन में आत्मा का फल आए, आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में हो, और ना केवल मैं वचन की नॉलेज में, ना केवल प्रार्थना अच्छी, ना केवल प्रचार, लेकिन आत्मा के फलों में मैं बढ़ नहीं पाऊँ। और लिखा है